हम सभी आरोग्य यज्ञ के अनुष्ठान को बहुत पवित्रता के साथ, शालीनता के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ, वैश्विक चेतना के साथ, पूरे संसार के सभी प्राणियों को कल्याण के निहितार्थ और यह आरोग्य यज्ञ पूरे संसार को समर्पित करते हुए हम सब अंग स्पर्श मंत्र के माध्यम से अंगों को स्पर्श करते हुए सारे अंगों को कैसे निरोग बनाए, ऐसा भाव बस छूटे ही हमारे अंदर तरंगित हो जाए। ओम वांग में आए अस्तु, मुख के दो भाग में और दाएं तरफ बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे मुख में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, मैं कोई शब्द बोलूं तो किसी को कष्ट ना हो, किसी को क्रोध ना हो, मेरे वाणी इतना ओज तेज हो, शालीनता हो कि किसी के कष्ट को भी यह दूर कर सके, किसी के क्रोध को भी यह वाणी शांत कर सके, मेरे जीवा में, मेरे मसूड़े में, मेरे दांतों में, मेरे कंठ में किसी प्रकार का कोई बीमारी जीवन में ना हो, ऐसी दिव्यता के साथ अपने अंगों को निरोग रखने का संकल्प लेते हैं। ओम नसोर में प्राण वस्तु, नासिका के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मैं नाक से जो सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, यह निर्वाध रूप से बिना रोग के हमेशा शाश्वत रूप से चलता रहे और इसमें कभी भी आपको साइनस की बीमारी ना हो, जो इससे हम गंध सूंघने की शक्ति है वो कभी धूमिल ना हो, यानी नासिका का जो कार्य है वो पवित्रता के साथ करता रहे। ओम अक्षोरण में चक्षुर अस्तु, आँख के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे आंखों पर कभी चश्मा ना चढ़े, मेरे आँख में कभी मोतियाबिंद ना हो और रोशनी कभी कम ना हो, और जब भी मैं किसी को देखूं तो उसमें दिव्यता के साथ ईश्वर का भाव झलके, और यदि मैं किसी नहीं देखने योग्य भी यदि कोई चीज देख रहा हूँ तो ऐसा लगे कि राम और कृष्ण का दर्शन हो रहा है, ऐसे अपने आंखों में ज्योति को जगाना है। ओम कर्णयोर में श्रोतम अस्तु, कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे कान से जो सुनने की ताकत है हमेशा बना रहे, और यदि हमारे लिए कोई अपशब्द भी बोलता है, कोई गाली भी देता है, ताना भी मारता है, तो हमें यानी हमारे शरीर में ऐसी शक्ति का जागरण हो जाए कि ऐसा लगे कि मेरा बड़ाई कर रहा है, वो मेरे बारे में शुभ ही शुभ कह रहा है, यानी गाली भी दे तो लगे कि राम राम कृष्ण कृष्ण और भजन की स्तुति कर रहा है, ऐसा भाव हमारे भीतर पनप जाए। ओम वाहयोर में बलम अस्तु, कंधा के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। हे परमात्मा, बाजुओं में कभी भी कोई रोग ना हो, हाथों में किसी प्रकार की व्याधि ना हो, और यह हाथ जब उठे तो किसी के संहार करने के लिए नहीं, किसी को जान मारने के लिए नहीं, यह हाथ उठे तो किसी की सेवा, किसी की परोपकार या रचनात्मक कार्य के लिए यह हाथ उठे, ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। ओम उर्वर में ओजो मस्तु, अब घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे कमर में, मेरे घुटने में, मेरे तलवे में, मेरे पिंडलियों में, एड़ी में कभी कोई दर्द ना हो, कोई व्याधि ना हो, अब हम हमेशा निरोग रखते हुए इस शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो पैर साधन है, वह साधन हमेशा निरोग रहे, ऐसी कामना करते हैं परमात्मा से। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनु संपा मेसा संतु, शरीर के चारों तरफ ऐसा करते हैं, जिन अंगों का मैंने नाम नहीं लिया वह अंग नाराज ना हो। होता कि ऐसा पांच भाई बैठे मंच से, दो आदमी का नाम बोले, दो का नहीं बोले, और वो पीछे पीछे ना चर्चा करेगा, देखिए मैंने सेवा किया, मैंने सारा टेंट लगाया, माइक लगाया, मेरा नाम ही नहीं बोला, तो झंझट हो जाता है, इसलिए अंग का भी नाम कुछ का लिए कुछ का नहीं लिए, तो आपस में प्रतिरोध ना हो, इसके लिए हे परमात्मा जितने अंग है अंग प्रत्यंग सब निरोग रहे, अंग स्पर्श मंत्र से सभी अंगों का निरोग रखने का हमने कामना किया।